नमस्कार। आज न्यूज बाला में अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको सुनाने के लिए तत्काल उमा शंकर त्रिपाठी पहुंचे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जो जो भाजपा के हैं, इन्होंने एक बड़ा विवादित पोस्टर जो फेसबुक के ऊपर डाल दिया है और कैलाश विजयवर्गीय विवादित पोस्टर राइस राहुल राइस शाहरुख बेईमान और रीता काबिल देशभक्त ये लेकर के उसने पोस्टर को डाल दिया और भाजपा के महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय और विजयवर्गीय ने ये बॉलीवुड के ऊपर बादशाह ये जो बॉलीवुड का बादशाह खान है ये शाहरुख खान इसको निशाना लिया है और कहा है कि भाई ये फेसबुक के जो पोस्टर है आपने देखा होगा ये कैलाश विजयवर्गीय ने डाला है, वो इस वजह से डाला है भाई क्योंकि ये कह सकते हैं इसमें जो लिखा है ये कह रहे हैं कि अब बारी है देश की जनता की काबिलियत की कि देश की जनता किस तरफ जाती है, किसको किसका हक मिलता है। काबिलियत को उसका हक मिलेगा जब बेईमान राइस है जो वो छीन ले जाएगा, क्योंकि राइस और काबिल दोनों जो है पिक्चर 25 जनवरी को रिलीज हो रहा है और दोनों फिल्मों एक ही दिन रिलीज हो रही है। तो भाई इस चीज को लेकर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है और रिलीज के पहले किंग खान और ऋतिक रोशन के जो पापा हैं राकेश रोशन इनके बीच बातचीत युद्ध चल रहा है और ये कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने इस युद्ध में यह घी तेल घी आग पे घी डालने का जो काम कर दिया है। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई देखना है कि कौन वो शाहरुख खान की पिक्चर की तरफ जाएगा, कौन ऋतिक रोशन की पिक्चर की तरफ जाएगा। और इससे पहले भी विजयवर्गीय बहुत सी बातें लिख चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक कलाकार है फिल्म की हीरोइन है शाहरुख खान की, वो अभिनेत्री महेशा खान वो इसमें लीड रोल कर रही है, तो इस वजह से भी लेकर के फिल्म में बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता है। क्योंकि इससे पहले एक पिक्चर रिलीज हुआ था जिसमें पाकिस्तान का कलाकार था, उसको बैन कर दिया, फिर भाई इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन बनती जा रही है और इसके साथ साथ पहले किंग खान को देशद्रोही तक बता चुके हैं, शाहरुख खान भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल जो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ये सब बातें विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में लिख दी। और इस बात को बाहर आने के बाद ये पिक्चरों के ऊपर एक बार फिर से लोगों की नज़रें टिक गई कि आखिर इन पिक्चरों में है क्या। और इससे पहले अगर बात करें पाकिस्तान के साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे देश के जवानों के साथ बहुत ऐसा कुछ किया, उसके बाद ये कह लीजिए कि अब बहुत देश में हलचल मचा कि पाकिस्तान को बैन कर दे, पाकिस्तान कुछ चीज़ को नहीं देखेंगे नहीं लेंगे, तो इस चीज़ को लेकर के अब ये कहा जा सकता है कि किंग खान की पिक्चर के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फिल्मी जो हीरोइन है वो पाकिस्तान से, इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन हो चुकी है। तो भाई विजयवर्गीय ने अब इसमें अपना योगदान डालने के बाद एक बार फिर से इस पिक्चर ये दोनों पिक्चरों को सियासत में लगा करके खड़ा कर दिया। अब देखना कि कौन आदमी विजयवर्गीय की बात के ऊपर ध्यान देगा और कौन किंग खान का फैन है उनके साथ जाएगा, ऋतिक रोशन की पिक्चर में क्या होगा और किंग खान की फिल्म में क्या होगा, ये देखने का होगा। लेकिन 25 जनवरी को ये पिक्चर रिलीज हो रही है तो देखना होगा कौन किसमें कितना है दम, ये सब देखा जाएगा। त्रिपाठी आपको तत्काल की न्यूज सब सुनाता रहेगा। आप देखते रहिए आज न्यूज वाला और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबा दीजिए, आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे। नमस्कार।